हे मैम, ने अपने पेज पे लिस्ट डाली है जिसमें टॉप 10 कंपनीज कौन सी है जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किया। इसमें फॉर सम रीजन किसी का भी ध्यान वेदांता पे नहीं जाना। वैसे सही भी है क्योंकि ये 10 साल पुरानी बात है और किसी को याद भी नहीं है, पर मुझे अब आपको याद दिलाता हूँ क्या हुआ। वेदांता के ओनर है इंडियन ही, पर वो लंदन में बेस्ड है, उनकी कंपनी लंदन में रजिस्टर्ड है। 2014 से पहले जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह नहीं थे तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बोला कि तुम गिल्टी हो, तुम फॉरेन फंडिंग रिसीव कर रहे हो, बाहर की कंपनी से पैसे ले, और वो कंपनी जो पैसे दे रही थी वो यही वेदांता ही थी। दोनों पार्टीज को पता, दोनों ने गलत किया, तो दोनों फिर सुप्रीम कोर्ट गए कि वहां पे बोला कि भाई ओनर इंडियन है तो भाई ये इंडियन ही फंडिंग हुई, इसमें कुछ गलत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादा कन्विंस नहीं हो रहा था। वह फंड दोनों पार्टीज ने मिल गया, फिर रूल्स में चेंजेस किए, फॉरेन फंडिंग को एकदम लीगल बना दिया। इसमें अब उन्होंने डेफिनेशन ही चेंज कर दी कि फॉरेन कंपनी क्या होती है। अब कोई भी बाहर की कंपनी, विदेशी कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पैसे दे सकती है। फिर ये लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके आए, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप एकदम छुपा के पैसे दे सकते। और फिर ये आज का दिन है, ये वही वेदांता 400 करोड़ रुपए दे रही है।